ए भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, ठीक हो? ठीक हो, ठीक हो। क्या है आज, ये तो बताओ, आज कौन सा टेस्ट है ये तो बताओ? टेस्ट नहीं है, आज पीटी है। पीटी? इतनी बारिश में कौन सी पीटी होती है यार भाई? अंग्रेजी पीटी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? एक कुत्ता इधर घूमने में लगा है इतनी बारिश में। हेलो, अरे भैया बारिश हो रही है, ऊपर से ऐसे कौन करता है यार? ओए साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। मन्नू अभी छुप रहा है क्योंकि उसकी मम्मी उसको मारने के लिए आ रही है मन्नू? मम्मी मारने आ रही है? मैं नहीं बचाऊंगा भाई, मैं नहीं बचाऊंगा, बहुत बचा लिया मैंने तेरे को। मम्मी मम्मी मारेगी फिर मेरे को, मैं बोलना इतनी शैतानी मत करो, अभी मुझे हाथ में बनता कोई। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे 7:30 और बाहर हो रही तगड़ी वाली बारिश। कल से ही मतलब बारिश होने में ही है और उसकी वजह से मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा। पहले बिस्तर से उठ के आपको पार्क का नज़ारा दिखाते हैं। अभी मेरे साथ ही सोई थी, देखो अंगड़ा या लेती हूँ मैं, जब जोर जोर से लेता हूँ है, लेती ही नहीं है। तो यह है ना मौसम, तो यह है पार्क का मौसम। ये देखो शकल धोई जा रही है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आज है लवी और जयंत का पीटी का टेस्ट या पेपर जो भी बोलते हैं पीटी, तो उनको स्कूल छोड़ने जाना है। मैं जाऊंगा, बारिश में उनकी छतरी वगैरह सब वापस लेके आनी पड़ेगी ना, तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ साथ में उनको छोड़ने के लिए। पीटी है तो बता, पीटी है आज तुम्हारी? पीटी कहाँ होगी? हॉल में। चलना चल, तो चल। तो आज है लवी और जयंत का पीटी का टेस्ट, टेस्ट है ना, पेपर ही बोलते ना उसको भी, टेस्ट ही तो होता है। तो आज रही इतनी खतरनाक बारिश और ऐसे में इनका टेस्ट है, अब बताओ खाली मार्क्स दे देंगे? ऐसे में तुम तो, ऐसे में तुमको ना ग्राउंड में ले जाएंगे ना कहीं ले जाएंगे, और इतने सारे बच्चे हैं, उन सबका एक साथ तो हो नहीं सकता, तो ऐसे मार्क्स चढ़ा देंगे साथियों को, ऐसे लग रहा है। बड़े ही अजीब से दिन इनकी क्लास ली जा रही है, वो भी बहुत बेकार वाली। बारिश हो रही है, ऐसे में इनकी पीटी है, तो ये जरा सोचने वाली बात हो गई। क्या हो गया? कोई नहीं, आ जाओ। अरे भैया पानी का तालाब हो रहा है पूरा, कहे जाओगे? मैं तो चले जाऊंगा, मैं चप्पल पहने हैं। ना ना, तुम्हें जूते गीले हो जाएंगे इतने में। आगे तो ये ड्रामर, ड्रामर के बॉक्स आए हैं यार, है कुछ इसमें? हाँ यार है, क्या ड्रामर है उसमें? चलो ठीक है, हाँ अच्छे से करना पीटी। और तू कब आज है? बड़ जल्दी इनको कि नहीं बुलाई तुल? क्यों लगे चाहिए? हाँ अच्छा, चलो ठीक है फिर। आप पीटी है, ऐसे में कैसी होगी यार पीटी? अंदर हॉल में होगी क्या? खाली ऐसे मार्क्स चढ़ा देंगे। चलो ठीक है, बाद में इनको लिखवाया। हाँ ए भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, ठीक हो? ठीक हो, ठीक हो। क्या है आज, ये तो बताओ, आज कौन सा टेस्ट है ये तो बताओ? टेस्ट नहीं है, आज पीटी है। पीटी? इतनी बारिश में कौन सी पीटी होती है यार भाई? अंग्रेजी पीटी। शाबाश। तो अभी मुझे मिले कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर्स, तो उनका कहना है कि आज पीटी है, इंग्लिश पीटी। मेरे को समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल लिया पूरा। तो अभी मैं आ चुका हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के, और मुझे बनाना है एक पोस्टर ड्राइंग टाइप की, जैसा हमारे कॉलेज में एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता होने वाली है, चित्रकला प्रतियोगिता। तो मुझे घर से बना के ले जाना है, तो मैं क्या बना रहा हूँ वो आपको उस दिन पता लगेगा जिस दिन ये प्रोग्राम है कॉलेज में, जिस दिन हम ये सबमिट करेंगे। तो अभी आप बस देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, और इसे अनुमान लगाइए, और उसका रियल जो है मोटिव वगैरह जो भी होता है तो वो आपको उस दिन पता लगेगा, क्योंकि उसी दिन जो हमारे कॉलेज में आने वाले गेस्ट लोग वो इसको
बहुत ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, मैं उतना अच्छे से नहीं बता सकता हूँ, तो वो लोग जो है बताएंगे आपको विस्तार में। तो आप बस देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। तो ये है मेरी ड्राइंग शीट, और ये है मेरा ट्राइपॉड, ये है बॉक्स, और ये है मेरे दो पेन जो कि बॉर्डर बनाने के काम आएंगे, क्योंकि मेरा स्केच है नहीं इसी वजह से। तो पहले निकालते पेंसिल, खुल जा सिम सिम, पोपट हो गया यार, इस तरफ होगा। ये मेरा पेंसिल नटराज शॉप भी की है, ये तो और भी बढ़िया हो गया। तो अभी मैं आ गया हूँ घर के पीछे वाले खेत में, जहाँ के हमारे लूटे हैं और हमारे चाचा आए यहाँ पे घास लेने के लिए। बाहरी से जैसे स्टॉक में नहीं पड़ा है घास, तो अभी रख लिया है थोड़ा बहुत। क्या कह रहे हो, हमारे लूटे कम हो गए? पहले ये बात बताओ ना मेरे को, ये लूटे में से घास ऐसे कौन निकालता है? ऐसे क्यों निकालते हैं? मतलब बीच का पेट गायब करते हैं, मुंडी और नीचे के पैर रख दिए बस। ना ऐसे क्यों भेगा नहीं करके नीचे का? अच्छा, तो अभी मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, अभी फिर से बारिश आने लग गई है, और इस तरफ को तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है कौसानी साइड को। अब बड़े बड़े बादल लग गए घने बिल्कुल, ये पास ही के गांव में इतने ख़तरनाक बादल लग गए हैं, और बारिश फिर से होने लग गई। एक कुत्ता इधर घूमने में लगा है इतनी बारिश में। हेलो, अरे भैया बारिश हो रही है ऊपर से, ऐसे कौन करता है यार? ओए जेब्बा, घास भिगा दिया, पहले से ही भिगा हुआ था वो। कैसी कैसी अश्लील हरकतें कर रहा है ये। अभी फिर से हल्की हल्की फिर से बारिश आने लगी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठंड का असर पड़ रहा है धीरे धीरे, कई दिनों से लगातार बारिश होने में ही है, तो सभी काम अटका हुआ है। तो सोने के अलावा और कुछ काम नहीं है, मैं जस्ट अभी सोया था, सुबह भी मैं देर तक ही उठा, और अभी जो असल में अभी उठ रहा हूँ दोबारा से। तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? टेस्ट क्या? पीटी हुआ ही नहीं? नहीं हुआ? हाइट वेट हुआ? हाइट वेट हुआ? नहीं, हाइट वेट ना हुआ। हाइट वेट ना हुआ? अच्छा, अब तू कर रहा है उसको, अब खत्म, अब नहीं जाना स्कूल, अब नहीं आना स्कूल, कल क्यों जाना है? अब कल नहीं जाना, मतलब अब नहीं आना है, परसों को क्या है फिर? और है कुछ? अच्छा पीटी रह गई है मतलब ना, है क्या करना है? गाड़ी चलाना है, इसको खींचना है, फट जाएगा, बहुत भारी हो रहा है। हम खेलते थे बचपन में कट्टे से, खेलते थे हम कट्टे से, या तो कोई चद्दर हो खराब उससे। तो मुन्नु अभी छुप रहा है क्योंकि उसकी मम्मी उसको मारने के लिए आ रही है मुन्नु, मम्मी मारने आ रही है। मैं नहीं बचाऊंगा भाई, मैं नहीं बचाऊंगा, बहुत बचा लिया महेंद्र को, अभी मम्मी मारेगी फिर मेरे को, मैं बोलना इतनी सतानी मत करो, अभी मोजा हाथ में पहनता है कोई। तो अभी मैं कर रहा हूँ दिन का खाना गरम, भात और दाल, दाल जैसे हमने क्या बनाई थी आज, भटकी चुटकानी, एक ही में से खाओगे तुम दोनों आज, एक में से खा के प्यार बढ़ता है, बर्तन खराब मत करो, चलो एक बर्तन में से खाओ, लड़ाई मत करना बता रहा हूँ। हाँ हिस्सा, अभी अभी हिस्सा कर लिया तुमने ना, तो? अच्छा वो तेरा, ये तेरा, मन्नु का यहाँ पे है। चल मन्नु पानी मत गिराना, चार पे मोड़, हाँ अच्छे से बैठो, हाँ शाबाश, चलो खाओ, लड़ाई मत करना। हाँ हाँ, जैसे कब से सतानी कर रहे थे, मैंने इनको एक ही बर्तन में दे दिया, अब जब एक ही बर्तन में खाएंगे तब जाके इनके होस्ट खाने पे आएंगे। बात तो सही है, पूरा कढ़ाई चमका दिया इसने चाट चाट के, वाह यार तूने। तो वो मैं जा रहा हूँ स्कूटी को डबल स्टैंड में खड़ी करने के लिए। ओहो।
कब से एक ही पाँव में खड़ी है। इसको जरा सर इसका जरा सिस्टम ही अलग है। इसका जो सिंगल स्टैंड है ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब तक ये ओपन नहीं होता है तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, चाहे चाबी ऑन क्यों नहीं कर ली हो। तो इसी वजह से इसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, तो इसको हम ज़्यादातर डबल स्टैंड पर रखते हैं। तो वही मैं देख रहा था अभी, चाचा लेके गए थे सुबह पर डबल स्टैंड में खड़ी नहीं की, तो मैं कर लेता हूँ अब। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जैसे गाड़ी को ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है कि इतने दिन तक ख़राब रहे, तो गाड़ी जब तक यूज़ में नहीं है मैं उधर पे चढ़ा देता इसको। वो लगा लिया मैंने सपोर्टर, अभी स्टार्ट करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं इसको फटाफट से। तो अभी मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और अच्छे से ढक भी दी है। ये लो, ओके ओके रिपोर्ट। तो अभी मौसम देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, सामने बिल्कुल लगे खतरनाक वाले बादल। इस साइड को तो और भी ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है, पूरा कोहरा। तो आज फिर से लाइट चली गई है, करीब करीब आधा घंटा हो चुका है तो लाइट आने जाने में ही है। तो बड़ा ही बेकार सिस्टम हो रहा है, तो ऐसे में ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है ना कुछ काम हो रहा है। तो यही है, ब्लॉग को इतना ही रखेंगे। हो आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।